पास्टर क्रिस ओयाकिलो में द्वारा लिखी हुई एक किताब है जो इंग्लिश में है, उसे मैं हिंदी में आप लोगों को पढ़ के दिखा रही हूँ। एकदम उसका वर्ड टू शब्द से शब्द ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप लोगों तक उसमें क्या लिखा है ये पहुँचने की ज़रूरत है, इसकी वजह से मैं आप लोगों तक लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो पास्टर क्रिस ओयाकिलो में की ये बुक है, उसका टाइटल नाम है पवित्र आत्मा और आप, ऐसे टाइटल का नाम बुक का नाम है, और उसमें पवित्र आत्मा और आप इसके विषय में इंट्रोडक्शन दिया है उन्होंने। पहला शुरुआत में उनके सारे एड्रेस वगैरह है, और फिर बाद में उन्होंने इंट्रोडक्शन का पहला एक आर्टिकल रखा है, उसके बाद उन्होंने चैप्टर वन उसके अंदर पवित्र आत्मा को जानिए ये विषय पर लिखा है, फिर चैप्टर टू दूसरा अध्याय उसमें पवित्र आत्मा की सेवकाई, और चैप्टर थ्री उसमें पवित्र आत्मा के सेवकाई के फायदे उठाना, और चैप्टर फोर पवित्र आत्मा की आवाज़। ऐसे चार अध्याय है, चार चैप्टर है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जो प्रस्तावना कहते हैं, उसमें उन्होंने क्या लिखा है हम वो पढ़ेंगे। जब मनुष्य नया जन्म पा लेता है, या फिर जब मनुष्य नया जन्म नहीं पाया होता है, सबसे पहले उस विषय में लिखा है, जब मनुष्य नया जन्म नहीं पाया होता है, तब उस समय वह अज्ञान होता है, वह नहीं जानता है, वह अंधा होता है, और वह नहीं बता सकता है, और वह जानता भी नहीं है, वह चल रहा है उसके ही मन भावनाओं के आधार से। अगर हम नया जन्म पाए हुए हैं, तो हम संसारिक लोगों से अलग हैं। हमारी आंखों को एक अलग प्रकार का छुआ गया है कुछ, और वह है पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, और उसके कारण हमारी आंखें अभी देख सकती है। तो पवित्र बाइबल पहले कुरंथियों 2:12-14 में ऐसा कहती है, पहला कुरंथियों 2:12-14, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यही वचन को हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, 12:14 तक। Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. पौल जब ये वचन लिख रहा था, तब वह मनोज्ञान से नहीं लिख रहा था, बल्कि प्रकाशन के ज्ञान से लिख रहा था, और बिल्कुल सही बता रहा था, और एकदम सिधाई का ज्ञान है वो, और वो हम समझना संभव है, परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में समझना संभव है। पवित्र बाइबल केवल आत्मा के द्वारा समझा जाता है, और आत्मा जो मनुष्य का आत्मा,
मनुष्य का आत्मा उज्जवल किया गया परमेश्वर के वचन से, तब जाकर परमेश्वर की इच्छा को हम समझ पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक है, उजियाला है, जो चमकता है हमारे मार्ग में। ये वचन भजन संहिता के 119-105 वचन में लिखा है, अध्याय 119-105 हम पढ़ेंगे उसको। भजन संहिता 119 उसका 105 वचन, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और ऐसे इंग्लिश में ऐसा लिखा है, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path। ये 119-105 इसका वचन है। जबकि असल में जो दीपक या उजियाला जो चमकता है मार्ग में, वह ज़रूरी नहीं होता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि दिशाएं बहुत सारी होती है जब हम उस मार्ग पर चल रहे होते हैं। तो हमको सही मार्गदर्शन करने वाला पवित्र आत्मा यहाँ पर आ जाता है, वही है जो हमें सही मार्गदर्शन हमारे पैरों को रच कर देता है, और फिर हम सही मार्ग चलते हुए हम उस दिशा में चले जाते हैं। वह हमारी समझदारी को उसके परमेश्वर के वचन के द्वारा खोलता है, हमें सिखाता है, और जो सही है वो वचन के द्वारा सिखाता है। हो सकता है हम ऐसे जगह पर पहुंचे होंगे जहां पर किस दिशा में हमें मुड़ना है हम नहीं समझ पाते हैं। उस समय हमको मार्ग दिखाने के लिए पवित्र आत्मा मार्गदर्शक बनता है। उसको जानना और उसके साथ चलना सफलता की चाबी है हमारे जीवन में, और उसको चाहते रहना है यह भी हमारे चाबी है सफलता के लिए। वह हमारे जीवन में परमेश्वर की सारी जो विरासत है उसे लाता है, और परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखी हुई जगह है वहाँ तक वह हमें मार्गदर्शन करता हुआ लेकर जाता है। यह हमने प्रस्तावना पढ़कर ख़त्म किया। अब हम चैप्टर 1 में जाएंगे, अध्याय 1 इस पुस्तक का, और उसमें लिखा है पवित्र आत्मा को जानना। पवित्र आत्मा वह परमेश्वर का आत्मा है, वह कोई धुआं या बादल या कोई प्रकाश नहीं है, वह कोई चीज नहीं है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में से तीसरा व्यक्ति है। हम क्यों तीसरा व्यक्ति त्रिएक परमेश्वर में से ऐसा कहते हैं? असल में वह देखा जाए तो पहला व्यक्ति जो प्रकाशित करता है वचनों के अंदर से। अब इसका कारण वह आखिरी त्रिएक में जाना गया है। जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन, हिंदी में ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और पहले अध्याय पहले वचन इंग्लिश में लिखा है, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। तो असल में पवित्र आत्मा पहला व्यक्ति होना चाहिए था पवित्र वचन में से प्रकाशित होने के लिए। यही उसका कारण है कि हमने उसको आखिरी में जाना। सबसे पहले उत्पत्ति में उसके बारे में जाना गया एलोहीम के द्वारा, जो हमने वचन पढ़ा उसके अंदर जो परमेश्वर लिखा है, वह परमेश्वर अनेक वचन की भाषा वाला शब्द है।
जो इब्रानी के भाषा में एलोहिम कहा गया, और एलोहिम इसका अर्थ होता है अनेक, तो अनेक परमेश्वर। तो अनेक परमेश्वर जो एलोहिम या परमेश्वर, इस परमेश्वर के द्वारा हमें उत्पत्ति के पहले अध्याय पहले वचन से ही पता चल जाता है, दूसरे वचन में आते समय, कि पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो पवित्र आत्मा को एलोहिम ने हमारे सामने पेश किया दूसरे वचन में। इसके लिए सबसे पहले पवित्र आत्मा को वचन के अंदर से हमें एलोहिम ने बताया, और फिर आखिरी में पवित्र आत्मा को हमें यीशु मसीह ने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने बताया। इसके लिए हम उसे त्रिएक परमेश्वर का आखिरी व्यक्ति करके कहते हैं, क्योंकि आखिरी में प्रभु यीशु ने हमें त्रिएक परमेश्वर का व्यक्ति बताया, जो पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके चेलों को पवित्र आत्मा के विषय में जब बताना चाहा, तो इस समय यूहन्ना के 14 अध्याय 15 के से लेकर 17 वचन में उन्होंने बताया। हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे इसे। 15 वचन में ऐसा लिखा है, 14 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार उसका 15 से लेकर 17 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इफ ये लव मी कीप माई कमांडमेंट्स एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शाल गिव यू अनादर कम्फर्टर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर इवन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ हुम द वर्ल्ड के नॉट रिसीव बिकॉज इट सीएथ हिम नॉट नीदर नोवेथ हिम बट ये नो हिम फॉर ही ड्वेलेथ विथ यू एंड शाल बी इन यू। पवित्र आत्मा बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह जैसा है, और वह परमेश्वर से सामर्थ नहीं लेता बल्कि वह खुद परमेश्वर की सामर्थ है। पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा जो पिता से होकर निकलकर आया है, वह पिता से कोई कम नहीं और प्रभु यीशु मसीह से भी कोई कम नहीं, वह पिता की ओर से निकल कर आता है। अगर हम या आप, अगर आप स्वर्ग में जाए तो वहां पर आपको पवित्र आत्मा पिता के बाहर खड़ा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि वह पिता के अंदर है। पृथ्वी के ऊपर हम पवित्र आत्मा को सब जगह पाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है, जब हम पिता की संतान होकर कहीं पर भी जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ जाता है, उसकी उपस्थिति हम पर महसूस रहती है और यह हमें बताती है कि उसको हमारी चिंता है। हम जिस भी चीज में कुछ कर रहे होते हैं, उसकी उपस्थिति उन कामों को छू रही होती है। पवित्र आत्मा बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह जैसा है।
वह सामर्थ परमेश्वर से नहीं लेता, बल्कि वह खुद सामर्थ है परमेश्वर का। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, जो पिता से होकर निकला है। वह पिता से कम नहीं और ना ही प्रभु यीशु मसीह से कम है, वह पिता से निकला है। अगर हम स्वर्ग में जाए तो पवित्र आत्मा को पिता के बाहर खड़ा हुआ नहीं पाएंगे, क्योंकि वह पिता के अंदर होगा। पृथ्वी के ऊपर हम सब जगहों में पवित्र आत्मा को पाते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि हम कहीं पर भी जाए परमेश्वर की संतान होकर, तब पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलता है और उसकी उपस्थिति हमारी सारी चिंताओं के ऊपर छाई रहती है। उसका नाम क्या है? यूहन्ना के 14 अध्याय 26 में पवित्र आत्मा का नाम हम जान सकते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे हम यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। 26 वचन इंग्लिश में पढ़ेंगे 14 अध्याय यूहन्ना का। बट द कम्फर्टर विच इज द होली गोस्ट होम द फादर विल सेंड इन माई नेम, ही शाल teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you। यह वचन आसानी से हमें बताता है कि पिता पवित्र आत्मा को बोलेगा, जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से भेजा गया है। पवित्र आत्मा अपने नाम से नहीं है, उसका नाम नहीं है, वह पवित्र आत्मा ऐसा कहा गया, वह उसका नाम नहीं है, या पवित्र आत्मा यह उसका नाम नहीं है। वह सिर्फ उसके बारे में एक व्यक्ति उसके बारे में बता रहा है, उसका चरित्र वह बता रहा है। पवित्र आत्मा का अपना कोई नाम नहीं है, परंतु जवाब में वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ बोला जाए तो वह जवाब होकर आता है। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम पुकारते हैं, आप पुकारते हैं, तब पवित्र आत्मा कार्य में उतरता है। उसके पास कोई अधिकार नहीं है पृथ्वी के ऊपर काम करने का, जिस तरह से वह करता है। इसके अलावा कि वह नाम से जो अधिकार रखता है इस पृथ्वी के ऊपर, यीशु पूरे इस संसार को, इस जगत को खरीद चुका है। प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। इसके लिए 100% वह मनुष्य है, 100% वह परमेश्वर है। वही एकमात्र अधिकार रखता है इस संपूर्ण जगत के ऊपर। वह अब्राहम का बीज है। अब प्रभु यीशु मसीह अधिकार रखता है पृथ्वी के ऊपर। जब उस अधिकार वाले नाम को कोई पुकारता है, तब पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर आता है। अब पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आया गया है और वह प्रभु यीशु मसीह के जगह में अब उपलब्ध है इस पृथ्वी के ऊपर।
जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहते हुए हमारे लिए कर सकता था, अब वह सब कुछ पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है। वह प्रभु यीशु मसीह से कम सामर्थी ऐसा नहीं है, बल्कि असल में तो उसी ने प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ से भर दिया था। पवित्र बाइबल जो कहती है प्रेरितों की किताब 10 अध्याय 38 वचन में, वह बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदियों में फैल गई। इंग्लिश में पढ़ेंगे, हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाजरेथ विद द होली गोस्ट एंड विद पावर, हु वेंट अबाउट डूइंग गुड एंड हीलिंग ऑल दैट वेयर ऑप्रेस्ड ऑफ द डेविल, फॉर गॉड वॉज विथ हिम। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इससे पता चलता है कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य है। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया है, लेकिन पवित्र आत्मा अभी यहाँ हमारे साथ है। वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह का है, वह सब कुछ वह हमारे लिए, हमें बताने के लिए यहाँ रुका हुआ है। और जो भी प्रभु यीशु मसीह का है, वह सब कुछ के ऊपर हमें अपना अधिकार लेने के लिए, वह हमारी सहायता करने के लिए यहाँ पर है। हम प्रभु यीशु मसीह के वारिस हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता के इकट्ठे किए गए वारिस हैं। और पवित्र बाइबल ऐसा पहले कुरिन्थियों 2:12 में कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, नाउ वी हैव रिसीव्ड नॉट द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड बट द स्पिरिट विच इज ऑफ गॉड, दैट वी माइट नो द थिंग्स दैट आर फ्रीली गिवन टू अस ऑफ गॉड। सब कुछ हमें दिया गया है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ जो जगत में है वो हमको दिया गया है। जो प्रभु यीशु मसीह का सब कुछ दिया गया है, वो दिखाने के लिए हम पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हैं। पवित्र आत्मा हमको वह सब कुछ दिखाता है। पवित्र आत्मा यहाँ पर किसी से कुछ भी प्राप्त करने के लिए, भीख मांगने के लिए यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जिस नाम से जो अब्राहम का बीज है, उसके द्वारा यहाँ पर आया हुआ है। याद रखिए, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने यह चाहा कि संपूर्ण जगत अब्राहम को और उसके बीज को दिया जाए। पवित्र बाइबल बताता है अब्राहम का बीज जो है वह मसीह है, और अगर हम मसीह में हैं तो हम अब्राहम के बीज हैं, और उसी के द्वारा हम वारिस भी ठहरते हैं उसके वायदे से, जो गलतियों की पत्री में 3:29 में लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो, गलतियों की पत्री 3:29। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इंग्लिश में ऐसा लिखा है,
तीसरा अध्याय 29 वचन, गलतियों की पत्री, एंड इफ ये बी क्राइस्ट देन आर ये अब्राहम्स सीड एंड हेयर्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस। परमेश्वर में हमारे लिए जगह है और वह जगह हमारे स्वास्थ्य है जो सारे बीमारियों के ऊपर और रोगों के ऊपर चढ़ जाता है, उसके ऊपर राज्य करता है। वह ऐसी जगह है जिसके अंदर भरपूर संपत्ति है, जहां पर कोई घटी या कोई जरूरत या कोई कंगालपन, वहां पर यह सारे नाम जो है वो बिल्कुल अनजाने से लगते हैं। और फिर ऐसी जगहों में हम, जो परमेश्वर ने रखी हुई जगह में हम रहते हैं, और मैं खुद भी रहता हूँ, इस तरह से इस किताब में लिखा है। इस जगह के विषय में इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 22 वचन में पौलुस ने लिख रखा है, हम उसे पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 22 वचन, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। 22 वचन इंग्लिश में पढ़ेंगे, इब्रानी की 12 अध्याय 22 वचन, बट ये आर कम अनटू माउंट सायन एंड अनटू द सिटी ऑफ द लिविंग गॉड द हेवनली जेरूसलेम एंड टू एन इन्यूमरेबल कंपनी ऑफ एंजल्स। और जब भी मैं ऐसे भाई और बहनों से मिलता हूँ जो इस जगह से रिश्ता रखते हैं, तो तुरंत मैं उनको पहचान लेता हूँ, क्योंकि मैंने उनको जाना है। और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मैं जानता हूँ कि अभी तक ऐसी जगह को वो ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि कब हम वहाँ पहुँचेंगे और कैसे पहुंचेंगे। वह कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उस जगह में हमने जन्म लेना है, उस जगह में हमने अपनी मेहनत से नहीं पहुंचना है। इसलिए बहुत सारे लोग एक प्रकार के छोटे बच्चों की तरह है, जो जानते नहीं है कि हम उस जगह में जी रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो उस जगह को छोड़कर कोई दूसरा शहर की तरफ चले गए हैं। लेकिन मैं जो जीवन और शहर के बारे में बोल रहा हूँ, वह केवल एक रास्ता है और केवल एकमात्र रास्ता है। एक बहुत ही सुंदर बात स्मिथ विगल्सवर्थ के द्वारा मैंने पढ़ी। वह कहते हैं, जब उनकी पत्नी मृत्यु हो चुकी, तब वह बिल्कुल अलग हो चुके थे। जब उनकी पत्नी मर चुकी थी, वह बाहर से कहीं घर में पहुंच रहे थे और उनको बताया गया यह बात कि उनकी पत्नी मर गई। और उन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे पहले बताया नहीं कि वह मर रही है। इसका मतलब वो कैसे मर सकती है मेरे इजाजत के बिना। और उन्होंने अपना हाथ उनके ऊपर रखा और यीशु मसीह के नाम से, जो नासरी यीशु मसीह है, उसके नाम से फिर उन्होंने उनके पत्नी का नाम लेकर उनको दोबारा जीवन में लौट आने का उन्होंने घोषणा किया, आज्ञा लगाया। और जैसे ही उन्होंने आज्ञा लगाया, वह उठ पड़ी, जाग गई। और उसके जागने के बाद स्मिथ विगल्सवर्थ ने उसको पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मरने जा रही है? उन्होंने उत्तर दिया कि समय आया था कि उन्होंने मर जाना था, और सच में वह उस समय का लाभ उठाना चाहती थी। और फिर
स्मिथ विगल्सवर्थ ने कहा, तो इस बात के बारे में कह दिया तूने, तो ठीक है अब कोई बात नहीं, और उस तरह से तूने मुझे पहले बता दिया होता तो अच्छा हो जाता। और फिर बाद में उन्होंने उसको सोने दिया और वहां उसकी मृत्यु दोबारा हो गई। अब इस तरह का मनुष्य होता है उस शहर का जिसके विषय में पौलुस ने कहा। विश्वास कीजिए इस बात का, जब पवित्र आत्मा आता है हमारे अंदर रहने के लिए, तो हम एक मुख्य घर बन जाते हैं परमेश्वर का। हमारे अंदर केंद्र बन जाता है परमेश्वर के काम करने का। वह हमारे शरीर में आता है जीवित होकर, वह हमारे अंदर हमारे शरीर में अपना घर बना लेता है। इसके विषय में इफिसियों के 5:18 में लिखा है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इंग्लिश में ऐसा लिखा है इफिसियों के 5:18 में, एंड बी नॉट ड्रंक विथ वाइन वेयर इन इज एक्सेस, बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। परमेश्वर हमें यहाँ ये बता रहा है कि यह उसकी इच्छा है कि हम प्राप्त करें पवित्र आत्मा का भरना, जबकि वह परिपूर्ण रीति से अपने आप को हमारे अंदर भरना चाहता है। यह उसने कर दिया है, इसकी वजह से हम उसके सामर्थ्य का अनुभव करते हैं। वो सामर्थ जो हमारे मनुष्य आत्मा में दैवीयता लेकर आता है, और हम उस दैवीयता का जीवन जीते हैं जो जयवंत मसीही जीवन होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि इस तरह का पवित्र आत्मा से भर जाना हम कैसे प्राप्त करें। पवित्र आत्मा का हम में भर जाना अलग अलग तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस जब मिशनरी यात्रा पर एशिया में जा रहे थे, उस रास्ते पर 12 इफिसियों व्यक्तियों से मुलाकात हुई उनकी, जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। हम प्रेरितों के पत्री 19:6 में इसके विषय में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम उसका 19:6 में हम पढ़ेंगे, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा, और वे भिन्न भाषा बोलने और भविष्यद्वाणी करने लगे। 6 इंग्लिश में पढ़ेंगे, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 19:19:6। एंड व्हेन पॉल had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. यह एक तरीका है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा का भरा जाता है। इन मनुष्यों को जो 12 व्यक्ति थे इफिसियों के, उनको यह जरूरत पड़ी थी कि कोई तो पवित्र आत्मा से पहले से भर चुका इंसान इन व्यक्तियों के ऊपर अपना हाथ रख दे। अगर आपके अंदर इस तरह का पवित्र आत्मा का अभी तक भरना हुआ नहीं है, तो आपने ऐसे किसी इंसान को देखने की जरूरत है जो पवित्र आत्मा का संपूर्ण भर चुका है। उसका हाथ आपके ऊपर आए, तब आप अपने अंदर पवित्र आत्मा का भरना प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा तरीका पवित्र आत्मा का हम में भरने का, हम प्रार्थना में मांग सकते हैं, जैसे प्रभु हमें बताता है लूका के सुसमाचार 11:13 में। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा।
इंग्लिश में पढ़ेंगे, ल्यूक्स गॉस्पल 11, 11 अध्याय उसका, 11 चैप्टर उसका 13th वर्स। इफ ये देन बीइंग इविल न्यू हाउ टू गिव गुड गिफ्ट्स अनटू योर चिल्ड्रेन, हाउ मच मोर शैल योर हेवनली फादर गिव द होली स्पिरिट टू देम दैट आस्क हिम। इस वचन का मतलब ऐसा बनता है, अगर पिता से विश्वास के द्वारा हम मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है ये किताब आज आप पढ़ रहे हो, और हो सकता है जो आपके दादाजी या परदादा बहुत गरीब रह चुके होंगे, और असल में देखा जाए अब परिवार के अंदर सब लोग गरीब हो रहे होंगे। अब ये बात यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, और हर जगह आप यही आवाज़ को सुनते होंगे जो आपको बताती है, हे आप तो गरीब है, आप उस मकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं, और आप गरीब है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, आप गरीब है और हमेशा ही आप पीढ़ियों से गरीब रह चुके हैं। आप यही आवाज को सुन चुके होंगे। उसी तरह से अगर आप के जीवन में पवित्र आत्मा है तो आज मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में कि आप उसकी आवाज को सुनते हैं। वह आपको जंगल के रास्तों से जीवन में चलाता है और आपके पैरों को वो मार्ग ठहरा के देता है। वह आपको बताता है कि आपने क्या करना है और आपको उत्तेजित करता है सही सोचों के द्वारा। वह आपको ऐसी ऐसी सोचें देता है जिसके द्वारा आप बड़े बड़े अचंभे के काम कर सकते हैं जो पृथ्वी को हिला देगी। वह आपको दर्शन भी दिखाता है कि आप कैसे बनने वाले हैं। पवित्र आत्मा आपके दृष्टि में कोई ऐसा एक इरादा बना कर रखेगा जिसको देखने के बाद आप उस इरादे के मार्ग को चलने की यात्रा शुरू कर देंगे। अध्याय 2, पवित्र आत्मा की सेवकाई। उद्धार के समय के बाद में सबसे बड़ा अनुभव अगर आपके जीवन में आना है तो वह यही है जो अनदेखा व्यक्ति पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, इंग्लिश में उसको कहा गया है होली घोस्ट और होली स्पिरिट, हिंदी में उसे केवल पवित्र आत्मा कहा है, लेकिन इंग्लिश में उसको दो तरीके से संबोधित किया है, होली घोस्ट एंड होली स्पिरिट। असल में देखा जाए तो यह दोनों एक ही व्यक्ति है। इंग्लिश में जब किंग जेम्स वर्शन उपयोग किया गया तब होली गोस्ट ऐसा लिखा गया। अब यह दोनों भी जब मैं इस्तेमाल करता हूँ अदल बदल कर इस किताब में, तब वह एक ही व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा हूँ, और वह एक ही व्यक्ति है जो हम जानते हैं पवित्र आत्मा। इस किताब के अंदर जहां कहीं पर भी आप शब्द पढ़ते हैं इंग्लिश में होली गोस्ट या फिर और होली स्पिरिट, तब आपको समझ जाना है कि मैं एक ही और वही इंसान के बारे में बोल रहा हूं जो वो व्यक्ति है पवित्र आत्मा। दोबारा हम यूहन्ना के 14 अध्याय का 16 से 17 वचन पढ़ेंगे।
और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। इंग्लिश में पढ़ेंगे जॉन्स गॉस्पल 14th चैप्टर 16th 17th वर्स। एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कम्फर्टर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। 17th वचन 17th वर्स। इवन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ होम द वर्ल्ड cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you। प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों के साथ एक आखिरी सभा में बात कर रहा था जो उसने चेलों के साथ बैठकर ली थी। वो सभा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जाने से पहले यीशु मसीह ने उसके चेलों के साथ एक सभा बिठाई थी और वह सभा में प्रभु यीशु कुछ बातें बोला था। उसने उनको कहा था कि वह जाने वाला है पिता के पास। और ऐसा जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला उस सभा के दौरान, तब चेले निराश हो गए और वह सोच में पड़े कि हम किस तरह से यीशु मसीह का उनसे अलग हो जाना बर्दाश्त करें। और फिर 16 वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता है कि वह प्रार्थना करेगा और एक सहायक उनके लिए पिता से भेजा जाएगा। अब यहाँ पर यह दर्शाया जाता है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वह सहायक है, सांत्वन देने वाला, और वह कहता है कि अब वो पिता से ये कहेगा कि और एक अलग सा सांत्वन देने वाला, जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसा भेजा जाए। यहां पर दो शब्द है इस विषय में ग्रीक भाषा में जिसके बारे में लिखा गया है, अलग सा सांत्वन। तो अलग सा इसका अर्थ क्या है? इंग्लिश में यहाँ पर अनादर कंफर्टर ऐसा लिखा है। तो अनादर इसका अर्थ दो है ग्रीक भाषा में, एक है हेटेरोस और दूसरा है एलोस। हेटेरोस का अर्थ बनता है अलग वाला और भिन्न तरीके का, अलग वाला और भिन्न तरीके का, जबकि एलोस का अर्थ बनता है अलग वाला, समान तरीके का। यहां पर जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं अनादर कंफर्टर और हिंदी में पढ़ते हैं और एक सहायक, तो यहां पर और एक वाला जो शब्द है प्रभु यीशु मसीह ने एलोस की जगह को लिया, हेटेरोस की जगह वाला नहीं। एलोस का मतलब ग्रीक भाषा में बनता है अलग वाला, समान तरीके का, और हेटेरोस का अर्थ बनता है अलग वाला, भिन्न तरीके का। तो प्रभु यीशु ने जो शब्द यहाँ पर और एक ये शब्द जो उठाया, अनादर ये जो शब्द उठाया, यह शब्द उस अलोस की सहायता से उसने बोला। अलोस मतलब अलग वाला और समान तरीके का। वह इस तरह से नहीं बोला कि वह प्रार्थना करेगा पिता से और पिता अलग वाला लेकिन भिन्न तरीके का आपको पवित्र आत्मा या सहायक देगा,
भिन्न तरीके का उसने नहीं बोला। उसने बोला, मैं प्रार्थना करूंगा पिता से और पिता तुम्हें अलग वाला और समान तरीके वाला, इसका मतलब अलग एक व्यक्ति आएगा लेकिन यीशु मसीह की समानता में वो रहेगा। इसका मतलब है पैराक्लेट। पैराक्लेटोस का मतलब है जो समानता में लेकिन अलग से चलता है, समान तरीके वाला लेकिन अलग इंसान होकर, अलग अलग एक जन होकर चलता है। अब जो पहला शब्द दिया गया था हमारे लिए पैराक्लेट, ये इंग्लिश भाषा में इसका अर्थ बनता है कंफर्टर और हिंदी भाषा में इसका अर्थ बनता है सहायक या सांत्वन। दूसरी भाषा में पैराक्लेट ऐसा है, इसका अर्थ एक जिसे बुलाया गया हो, जो सांत्वन करता है उसके साथ साथ चलने के लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो सांत्वन करने वाला है वो किस प्रकार का है और यीशु मसीह किस विषय में बोल रहा है? क्या प्रभु यीशु एक प्रकार का सहायक जो बस हमारे साथ रहने वाला है इस तरह का बोल रहा है, जो इस तरह से कहेगा ओके अब तुम चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो कोई समस्या के विषय में, सब कुछ ठीक होने वाला है? या फिर क्या वो इनके विषय में बोलने वाला है जो परेशानी से होकर जाने वाला है, जो बहुत दुख और तकलीफ से होकर जाने वाला है और आपको बोलेगा आप चिंता मत करो कि प्रभु यीशु बहुत दुख में से जाने वाला है और बहुत परेशानी में से जाने वाला है, तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्या ऐसे कहने वाला वो है? या फिर इस तरह वाला सांत्वन देने वाला जिसके विषय में यीशु कहता है, कैसा वाला? ये सब जो बताया इस तरह वाला बिल्कुल भी नहीं। एक अलग भाषा जो है एम्प्लीफाइड बाइबल, जिसे हम विस्तारित बाइबल ट्रांसलेशन भी कहते हैं, जो अनुवाद किया गया है विस्तारित अवस्था में उस बाइबल को लिखा गया है एम्प्लीफाइड बाइबल ट्रांसलेशन, उसके अंदर से हम सांत्वन का अर्थ देखेंगे। वहां ऐसा है उसका अर्थ, जिसे भेजा गया है हमारे साथ। एक प्रकार से छह तरीके से उसके अर्थ को बताया गया है पैराक्लेटोस। वहां पर सलाहगार, मददगार, मध्यस्थी करने वाला, हमारे लिए वकील होकर बात करने वाला, हमें ताकत देने वाला, हमारे साथ खड़ा रहने वाला। अब हम एक एक करके इस नाम को, इस मतलब को हम देखेंगे वचन के आधार से। यूहन्ना का 14:16 उसका एम्प्लीफाइड में इस तरह से लिखा है, एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कम्फर्टर। इस कम्फर्टर, यह सांत्वन जो शब्द है, सहायक जो शब्द है, इसके छह अर्थ यहाँ पर लिखे हैं एम्प्लीफाइड बाइबल के अंदर। यहाँ पर इसका एक अर्थ है सलाहगार, दूसरा अर्थ है मददगार, तीसरा अर्थ है मध्यस्थी, चौथा अर्थ है एडवोकेट, पांचवा अर्थ है ताकत देने वाला, बल देने वाला, हमें बलवंत बनाने वाला, और आखिरी में है हमारे साथ खड़े रहने वाला, दैट ही मे रिमेन विथ यू फॉरएवर।
कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, तब आप सलाहकार को पाते हैं। वही है वह जो आपको सलाह देता है, और जिस तरह का सलाह वह देता है वह बिल्कुल भी साधारण सा नहीं रहता है कि वो कोई काम नहीं करेगा। यह शब्द जो सलाहकार है, यह कायदे के अनुसार लिखा गया, जिसके अंदर कायदे की सलाह दिए जाते हैं, कायदे के अनुसार सलाह दी जाती है। यह साधारण से ऐसा एक शब्द है सलाहकार, लेकिन पवित्र आत्मा जो सलाह देता है वह कायदे में बैठने वाला सलाह देता है, और वह आपका कायदे में आपको सही रखने वाला आपका लॉयर बनता है, वकील बनता है। ये किस तरह से होता है हम भजन संहिता के 16 अध्याय 7 में पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 का 7 वचन ऐसा कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आई विल ब्लेस द लॉर्ड हु हैथ गिवन मी काउंसिल, माई रेन्स ऑल्सो इंस्ट्रक्ट मी इन द नाइट सीजन। भजन संहिता का 16 अध्याय 7 वचन कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। भजन संहिता का 16 अध्याय उसका 7 वचन यह कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आई विल ब्लेस द लॉर्ड हु हैथ गिवन मी काउंसिल। ये काउंसिल जो शब्द है ये पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया है इस पुस्तक के अंदर, और पवित्र आत्मा को पवित्र बाइबल में भी काउंसलर ऐसा इंग्लिश में बोला गया है। तो सम्मति देने वाला काउंसिल, आई विल ब्लेस द लॉर्ड हु हैथ गिवन मी काउंसिल, माई वेन्स ऑल्सो इंस्ट्रक्ट मी इन द नाइट सीजन, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। ये जो भजनकार है ये इस बात को बोल रहा है, कबूल कर रहा है कि प्रभु है जो उसको सम्मति देता है, और रात में उसका मन भी उसे अपने अंदर से अंदरूनी मनुष्य जो है उसको शिक्षा देता है। इसका मतलब यह जो वचन है वो इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि हमको अगर शिक्षा अंदरूनी मनुष्य रात के समयों में दे सकता है, और यह पवित्र आत्मा जो शिक्षा अंदरूनी मनुष्य के द्वारा हमको देता है, तो यह शिक्षा एक प्रकार का मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए पवित्र आत्मा देता है। अब जीवन के जो बातें होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है, जिसके विषय में हमको निपटना पड़ता है। हर एक बात पवित्र वचन में हम नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से मार्गदर्शन हम खोजते हैं। एक उदाहरण के तौर पर ऐसी बातें जो हमारी चिंताओं का विषय होती है, जैसे रोज़मर्रा जिंदगी में फैसलों को बनाना, यात्राएं करना और कोई खरीदारी करना, ऐसे कोई विषय बिल्कुल आप यही देखते हैं और चाहते हैं कि कोई आपका मित्र इस बात से निपटने में आपकी सहायता करे, और अगर वो निपट सकता है तो वह आया है या नहीं आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं।
ऐसा कोई भी आपको रास्ता नहीं मिलता है कि जहाँ ऐसी बातों की, चिंताओं की आप खोज करें, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक मार्गदर्शन मिलने के लिए। फिर ऐसी बातों की, चिंताओं के विषय में अगर हमको कोई मार्गदर्शक चाहिए तो हम पवित्र आत्मा को हमसे बातें करते हुए सुन सकते हैं। वह हम उसकी सम्मति लिए हुए चल सकते हैं और हम सही चुनाव और फैसले हमारे जीवन में बना सकते हैं। एक दिन पतरस जब प्रार्थना कर रहा था, शिमोन जो चाम्र के काम करता था वो इंसान के घर में, तब पवित्र आत्मा आया और पतरस से बोला, एक मनुष्य को जाकर ढूंढ ले, तीन मनुष्य है जो तुझे ढूंढ रहे हैं और वह तीन मनुष्य है जो ढूंढ रहे हैं उनको मैंने भेजा है, तूने उनके साथ चले जाना है। इस बात को हम प्रेरितों की पत्री, प्रेरितों के काम 11 अध्याय 11 वचन और 12 वचन में पढ़ सकते हैं। और देखो तुरंत तीन मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर में गए। 11 वचन इंग्लिश में पढ़ेंगे। एंड बिहोल्ड इमीडिएटली देयर वेयर थ्री मैन ऑलरेडी के कम इन टू अन टू द हाउस वेयर आई वॉज सेंट फ्रॉम सीजरिया अन टू मी एंड द स्पिरिट बेड मी गो विद देम नथिंग डाउटिंग मोर ओवर दिस सिक्स ब्रेदरन एकम्पनीड मी एंड वी एंटर्ड इन टू द मैंस हाउस। और यहाँ पर ऐसा पवित्र आत्मा पतरस को बोला कि बेखटके जाओ। तो पवित्र आत्मा आपको ऐसा कुछ करने के लिए कह सकता है और वह आपको ऐसा कुछ ना करने के लिए भी कह सकता है। वो आपको मार्ग दर्शा सकता है, दिशाएं बता सकता है। ऐसा कभी आपको करने के लिए कहा है उसने, या ऐसा कभी आपको सिखाया उसने किसी भी बातों के विषय में इससे पहले? क्या आप ऐसे जो सम्मति देने वाला या फिर आपके अंदर प्राप्त किया है, या फिर आप हमेशा ही लोगों को ढूंढते रहे सम्मति के लिए? आपने ऐसा सलाहकार अपने अंदर देख लिया है या नहीं? अभी तक वो आपके साथ बात करता है और पवित्र आत्मा को आपके अंदर से काम करने दीजिए। आप उसके नए दोस्त जो बन जाते हैं, तो आप अगर नए दोस्तों के साथ संगति में बैठते हैं तो आप लंबे समय तक बातें करते हैं ताकि आप एक दूसरे को जान सके, आप एक दूसरे की भाषा से परिचित हो सके। उसी तरह से हमने, आपने पवित्र आत्मा के साथ लंबा समय बिताना है, उसके साथ समय निकाल कर उसकी भाषा हमें सीखना है, समझना है, ताकि हम उसे जल्दी से उसकी आवाज को पहचानने में हम कामयाब हो सकेंगे जब वह बात करता है। तब आज से ही इस बात को आप पालन करना शुरू कीजिए। उसकी बातें जब आपके निर्णय बनाने के लिए, आपके काम करने के लिए, आपको बार बार कोई वचन आपको देने के लिए जब मार्ग दिखाता है, तब तुरंत उसको आप उसकी अगुवाई मानते हुए
लीजिए और उसके अनुसार कीजिए और उसके साथ संगति में हो जाइए। अब दूसरा जो उसके विषय में लिखा है वह है सहायक। जो पहले पढ़ा वह सम्मति देने वाला, अब हम उसका दूसरा एक भाग देखते हैं जो सहायक के रूप में हम पहचान सकते हैं। पवित्र आत्मा आपका सहायक भी है। जब आप उसको अपने जीवन में लेते हैं तो हमने कभी दोबारा यह नहीं कहना है कि मेरी सहायता के लिए कोई नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में सहायक होता है। सालों पहले, जब बहुत साल पहले जब पवित्र आत्मा के विषय में मनन कर रहा था, तब पवित्र आत्मा ने उत्तेजित किया मुझे इस सोच में, और वह सोच मैंने अपने किताब में लिख लिया। मैंने लिखा, परमेश्वर सही लोग सही जगह मेरी मदद के लिए सही समय देता है। ऐसा क्यों? इसकी कारण यह है, पवित्र आत्मा मेरा मददगार है। और जब किसी को इस्तेमाल करना होता है तब पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। कहीं से भी वह मेरे लिए किसी को भी लेकर आता है और मुझे सहायता करता है। वह मेरा मददगार है। किसी को भी वह मेरी मदद करने का काम सौंप देता है। ऐसे लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं, और जबकि मैं उनको जानता भी नहीं और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो मेरी मदद करें, परंतु इसका कारण एक ही है, पवित्र आत्मा उनको आग्रह करता है कि वह मेरी मदद करें। आपने इसके विषय में सहज सोचने की जरूरत है। हमारे जीवन में सकारात्मक तौर से, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सकारात्मक सोच के द्वारा, मैं इस तरह से बोल रहा हूं जैसे सकारात्मक हो जाना है कि परमेश्वर के ऐसे राज्य का ये एक तरीका है जिंदगी में जीने का, और इसके लिए हमने सकारात्मक होना है। परमेश्वर ने जगत को बनाया और उसके अंदर हमको रखा। समय के अनुसार यह बताया जाता है, परमेश्वर ने हमको प्रेम रखा है। तो हम जब बोलते हैं तब ऐसे क्यों बोलते हैं कि परमेश्वर को हम नहीं चाहिए? अगर परमेश्वर को हम नहीं चाहिए होते तो उसने हमें हटा दिया होता अपने रास्ते से, हमें बिना बताए, कोई सवाल ना करते हुए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और उसने हमको हटाने का, ऐसा कोई हमसे इजाजत लेने का भी उसको जरूरत नहीं था। जब उसको हमें उसके सामने से हटा देना था तो इसलिए हकीकत अब यह है, परमेश्वर ने हमको जीवित रहने से यह बताया कि उसको हमारी जरूरत है, वह हमको सच में होने के लिए चाहता है। फिर हमें इस तरह से वह परेशान होने के लिए क्यों रखा? और ऐसे परेशानी अवस्था में वो हमें क्यों रहने देना चाहता है? प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 38 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे 38 वचन। उसमें लिखा है, वह बात
तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई। 38 वचन इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नैजरेथ विद द होली गोस्ट एंड विथ पावर हु वेंट अबाउट डूइंग गुड एंड हीलिंग ऑल दैट वेयर ऑपरेस्ड ऑफ द डेविल फॉर गॉड वॉज विथ हिम। 38 वचन में हिंदी में अलग लिखा है, ये वचन जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा वह 37 वचन से शुरू होता है। जो वचन उसने इसराइलियों के पास भेजा जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। 38 के बाद 39 वचन तक हम देखना है। ये जो मैंने इंग्लिश में 38 वचन में सब कुछ आ गया है, हिंदी में 38 वचन और 39 वचन तक पूरा होता है। हम इकट्ठा पढ़ेंगे। वह बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया और भेजा कि वह चंगाई करे उन लोगों के जो शैतान से सताए हुए थे। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे हो जाए। इसके लिए वह हमारा अच्छा परमेश्वर है। जो कलसिया है प्रभु यीशु मसीह की, वह कोई एक संगठना लोगों के द्वारा या फिर परमेश्वर को ढूंढने जो मदद करने के लिए ढूंढना होता है उसके लिए नहीं है। हमारे पास एक है जो कहता है जाओ, और वह है प्रभु यीशु मसीह, और वह हमारे साथ चलता है और वह उसकी सेवकाई है। हम अकेले नहीं हैं। जब हम अपने आप को देखते हैं तब सोचते हैं हमारे बारे में कि हमारे पास सब कुछ है, तो इसका मतलब आप गलत हैं। आपके पास सब कुछ नहीं है। जिसके पास सब कुछ है वह है प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए जो एक हमारे साथ होने की ज़रूरत है, अगर वो नहीं है तो हमारे अंदर जीवन नहीं है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह केवल हमारे साथ ही नहीं, लेकिन वो हमारे साथ जीवित भी है। अब ये बात को हम अपने आंखों से, जो शरीर की आंखें हैं, उससे देख तो नहीं सकते हैं, परंतु वह बिल्कुल हमारे साथ जी रहा है, बल्कि वह बिल्कुल हमारे एकदम सच्चाई में, हमारे शत्रु जितने सच है उनसे ज़्यादा सच प्रभु यीशु हमारे साथ जी रहा है। यही सच्चाई है। जो भजनकार है वो पवित्र आत्मा को अपना तुरंत मदद करने वाला ऐसा कहता है, जिसके विषय में भजन संहिता 46 के एक वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, टू द चीफ म्यूजिशियन फॉर द सन्स ऑफ कोरा अ सॉन्ग अपॉन अलामोर, गॉड इज आवर रिफ्यूज
एंड स्ट्रेंथ, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। दूसरे शब्दों में, वह उपस्थिति उसकी हमारे साथ है। जैसे हमको कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है, हमको इस बात को देखते रहने की जरूरत नहीं है क्या वो हमारे साथ है या नहीं। अगर कभी आप संकट में पड़े, आप अपने आप से हंसेंगे और कहेंगे, धन्यवाद पवित्र आत्मा कि मैं अकेला नहीं हूं। अब परमेश्वर हमको ऐसा करने का कोई अंदर से अगुवाई नहीं देता है। इसकी वजह से हम ऐसा कहना एक प्रकार का उसको भुला देने के बराबर हो जाता है। इसके लिए परमेश्वर हमको इस तरह का भी नहीं सिखाता है कि हमने उसका अलग तरह से कोई बेमतलब फायदा उठाना है। हमने उसका बेमतलब फायदा नहीं उठाना है। अगर हमने अपने आप को बेमतलब फायदा उठाते हुए लिया पवित्र आत्मा को, तो हम अपने आप को उस अवस्था में डालते हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जो हमें, हम पर अपना जोर चढ़ाती है या हमारा फायदा उठा रही है, तो हमने कभी इस तरह का अपने आप को नहीं देखना है कि हमारा कोई भी बेमतलब फायदा उठा सकता है। अगर हमने यह सोच रखी तो हम अपनी सोच के जिम्मेदार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बेमतलब हमारा फायदा उठाने वाले ऐसा कोई भी गलत, ऐसा कोई काम अगर हम पर चढ़ाता है, तो हम उसके विषय में बाहर निकलना और फिर जयवंत होकर उस परिस्थिति को बदल देना, हमको उतनी काबिलियत परमेश्वर ने दे रखी है। अगर हम इस बात के अंदर, ऐसी परेशानियों के अंदर अपने आप को बेमतलब बनाए रखेंगे कि हम ऐसे ही पड़े रहने वाले हैं, हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं है, तो इस सोच का हम खुद जिम्मेदार हैं। अगला जो पवित्र आत्मा के विषय में जानकारी मिलती है कि पवित्र आत्मा मध्यस्थी करता है, मध्यस्थी में हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है मध्यस्थी के साथ, लेकिन साथ साथ वह मध्यस्थी की सेवकाई हमसे भी करवाता है और एक विश्वासी से। अगर मसीही इसमें समस्या देखता है या फिर परेशानी देखता है, तो पवित्र आत्मा वह है जो प्रार्थना उससे करवाता है। क्या पवित्र आत्मा के द्वारा होता है? नहीं, वह नहीं। कैसे परमेश्वर प्रार्थना करेगा? वह बिल्कुल जायज नहीं है कि परमेश्वर ने प्रार्थना करना या पवित्र आत्मा ने। वह प्रार्थना हमारे लिए केवल हमारे ही द्वारा करता है, मसीह में, जो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। पवित्र आत्मा मनुष्य नहीं है, उसके पास शरीर नहीं है जैसा मनुष्य के पास है। इसके लिए वह हम मनुष्यों के द्वारा काम करता है। यह बात को समझाने के लिए हम वचन को लेंगे, रोमियो की पत्री 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी
आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, लाइकवाइज द स्पिरिट ऑल्सो हेल्प आर इन्फॉर्मेटिस फॉर वी नो नॉट वॉट वी शुड प्रे फॉर एस वी आउट बट द स्पिरिट इट सेल्फ मेक इंटरसेशन फॉर अस विद ग्रोनिंग्स विच कैन नॉट बी अटर्ड। बहुत सारे जो अनुवाद है बाइबल के वचन के, उसमें जो यहाँ लिखा है कि कमजोर अवस्था, तो इसकी जगह में बहुत सारे अनुवाद में दुर्बलता जो लिखी है यहाँ पर, इसकी जगह में एक प्रकार से जो बीमारियों का नाम होता है उस तरह के नाम लेकर लिखा गया है। परंतु फिर भी एकदम सही तरह से अभी तक इस शब्द का अनुवाद नहीं किया गया है। दुर्बलता भी वह सही शब्द नहीं है, इसीलिए मुझे जेबी फिलिप्स के अनुवाद पसंद है, क्योंकि उसके अंदर दुर्बलता यह शब्द या कमजोर अवस्था ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है मर्यादा के अंदर, हद के अंदर। ये कमजोर अवस्था या दुर्बल अवस्था नहीं दिखता है, यह बनता है कि एक मर्यादा है, एक हद है, उस हद के बाहर नहीं। ये हद कौन सी है उस वचन के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। वह हद यह है, यहाँ वचन में लिखा है, हमारी सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। इतनी हद है हमारी कि वो हद के आगे हम जानते नहीं है किस रीति से हमने प्रार्थना करनी चाहिए। उस हद के वक्त में वो हमारी सहायता करता है। इसका मतलब बनता है कि हमेशा ही हमको मालूम नहीं रहता है कि हमने क्या प्रार्थना करना है और हमने कैसी प्रार्थना करना है, किस विषय में प्रार्थना करना है। इस वचन में आगे पवित्र आत्मा कैसे फिर सहायता करता है, हमारी हद खत्म होती है उसके बाद। यहाँ लिखा है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अब अगर इस विषय को आपने बहुत ध्यान पूर्वक देखा तो समझ पाएंगे, पवित्र आत्मा ये काम नहीं कर रहा होता है हमारे बिना, लेकिन हमारे द्वारा, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। इसके लिए पवित्र बाइबल कहता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसे लिखा है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो यह बात है, परंतु आत्मा आप ही ऐसा लिखा है। ये बात को आपने समझना है कि ये एक अलग बात है, अन्य भाषा बोलने से अलग वाली ये बात है। अन्य भाषा के विषय में जानना है तो पहले कुरिन्थियों के 14 अध्याय 14 में पढ़ेंगे। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। इंग्लिश में पढ़ेंगे, फॉर इफ आई प्रे इन एन अननोन टंग माई स्पिरिट प्रेयथ बट माई अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल। इसका मतलब है, जब हम बात करते हैं अन्य भाषा में तब हम नहीं जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा आत्मा बात कर रहा होता है। और इस भाग में पवित्र बाइबल ऐसा बताता है, पवित्र आत्मा आप ही मध्यस्थी करता है हमारे लिए। ये वचन के अनुसार हम पढ़ेंगे, परंतु आत्मा आप ही
ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए बिनती करता है। और ये जो शब्द है आहे भरना, यह कोई इस प्रकार का शब्द नहीं है जो बोली भाषा में बोली जा सकेगी। जो न्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्शन है उसके अंदर इस आहे भर भर कर इस शब्द को इस तरह से लिखा गया है कि दुख से गहरी गहरी शब्दों से बोला गया प्रार्थना, लेकिन वो शब्द नहीं जो हम उसको बोल सकते हैं। जो बोली भाषा होती है उसमें हम उसे वर्णन करके बोल नहीं सकते हैं। आपने भी कुछ ऐसे समय अनुभव किए होंगे कि आप अपने आप में रो रहे हैं लंबे और बहुत ऊंची आवाज में आहें भरते हुए, और इस प्रकार होते समय आप बिल्कुल इस बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं आपके अंदर क्या हो रहा है और आपकी जुबान से इस विषय में क्या बोल रहे हैं। और ऐसी कोई दूसरी कोई भाषा जिसके द्वारा आप इसे समझ पाए, ये इसलिए होता है क्योंकि इसी को कहा गया है बहुत ही दुख के साथ आहे भर भर कर बोला गया शब्द। रोमियो के 8:27 वचन में ऐसा लिखा है कि वह जो हृदयों को जांचता है, इसका मतलब है कि वह मनुष्य के आत्मा को भी जांचता है। वह जानता है कि आत्मा का मन क्या है। 27 वचन में उस बात को पढ़ेंगे हम, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, लाइकवाइज द स्पिरिट ऑल्सो हेल्पथ आर इन्फॉर्मिटीज, फॉर वी नो नॉट वॉट वी शुड प्रे फॉर एस वी आउट, बट द स्पिरिट इटसेल्फ मेकथ इंटरसेशन फॉर अस विथ ग्रोनिंग्स विच कैन नॉट बी अटर्ड। और वह जो हृदय को जांचता है वह परमेश्वर है, और आत्मा की मनसा क्या है किसको पता? आत्मा को पता है। और किस तरह से उस मनसा के आधार पर मध्यस्थी करना संतों के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, वह केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। तो इस वचन को आगे हम 28 वचन में पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। 28 वचन इंग्लिश में पढ़ेंगे, एंड वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड टू देम दैट लव गॉड, टू देम हु आर द कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। अब यह बात होती है कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है मध्यस्थी करता है परमेश्वर के लोगों के लिए, दूसरे विश्वासी लोगों के द्वारा। वो अपने आप से नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं। वह सब कुछ कर सकता है तो वो केवल विश्वासियों के द्वारा ही करता है। वह चंगाई करता है बीमारियों को, वह मार्गदर्शन करता है मनुष्य जाति को मसीह के अंदर। तो वह सब कुछ जो करता है वह मनुष्य के विश्वासियों के द्वारा ही करता है। और एक बहुत ही सुंदर ऐसा सिखाया गया है इस वाक्य के द्वारा, जो हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय में एक कहानी के बारे में पढ़ा, जो कुर्नेलियोस था, जो रोमियो के सरकार में, हम उसमें देखेंगे, रोमन सेंचुरियन था वो, और परमेश्वर जो था
वह कुर्नेलियस को उद्धार देना चाहता था, क्योंकि उसने बहुत ही धर्म के कार्य किए हुए थे और वह उद्धार को ढूंढ रहा था। तो परमेश्वर ने उस पर दया की और स्वर्गदूत को उसके लिए भेजा इस संदेश के साथ कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान अर्पण वह सब याद के तौर पर परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। प्रेरितों के काम 10:4 में इसको लिखा है। यहाँ 4 के आधे हिस्से में से आपको पढ़ने मिलता है, और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God। यहाँ आप समझ सकते हैं, स्वर्गदूत कुर्नेलियोस को मार्ग से लेकर नहीं जा सका मसीही के उद्धार में, क्योंकि वह जिम्मेदारी स्वर्गदूत की नहीं थी कि लोगों को मसीही में लेकर आए। उनके पास वह आदर नहीं है। पवित्र आत्मा के पास भी वो अकेला ही सब कुछ ऐसा करना नहीं कर सकता है जितना वह करना चाहिए। जितना स्वर्गदूत कर सकते हैं वह यही है, वह छुड़ा कर और संदेश लेकर आ सकते हैं कि ये संदेश इस तरह से तुम तक पहुंचाया गया है। इतना ही स्वर्गदूत कर पाए हैं। मनुष्यों को जोप्पा में भेज और शिमोन को बुला ले, जिसका नाम पतरस है, और वह तुझे बताएगा जो जिसके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस तरह से कुर्नेलियोस को उद्धार के शब्दों को दिया गया था और उसने उद्धार पाया। जो शब्द बोले गए थे परमेश्वर के योजना के आधार से, और वह उद्धार में कुर्नेलियोस को लेकर आया। ऐसा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकेगा। यीशु मसीह की तरफ देखो, वह स्वर्ग में से बोला कि शौल तार्सिस का ऐसा उसके नाम को पुकार कर बोला, शौल शौल तू मुझे क्यों छल करता है। अब ये जो है इसके विषय में हम बोलना कठिन बन सकता है, इसको हम वचन में ही दिखाएंगे। आप प्रेरितों के काम 9:4-5 में इसको पढ़ते हैं। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड ही फेल टू द अर्थ एंड हर्ड अ वॉइस सेइंग अनटू हिम, सॉल सॉल व्हाई परसिक्यूटेस्ट thou me, and he said, who art thou Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. देखिए, इंग्लिश में जैसा लिखा है वैसा हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है, ओके? इंग्लिश में ऐसा लिखा है, it is hard for thee to kick against the pricks. यानी इसका मतलब हिंदी में आसान तरीके से इस तरह से बनता है कि ये बहुत कठिन है अगर आप कांटे को ठोकर देना चाहेंगे।
और फिर शॉल को एक नगर में जाने के लिए कहा गया जहां पर उसको कुछ सहायता होने वाली थी और क्या करना है यह सब बताया जाने वाला था। तो आप सोच कर देखिए क्या किया था प्रभु ने। वह उसके दर्शन दिया अनन्यास, और अनन्यास को बोला जाओ और उस मार्ग जो सीधा कहलाता है वहां पर एक मनुष्य तुम्हें शौल जो तारसिस का है तुम्हें मिलेगा। प्रभु को जरूरत नहीं पड़ा और ज्यादा कुछ बोलने की। अनन्यास इस विषय पहले से ही समझ गया, उसके विषय में बात कर रहा था। और फिर वह अनन्यास बोला हे प्रभु, वह मनुष्य तो भयंकर है जो कलसियाओं को सता चुका है। तो अनन्यास ने अपने आप को बचाने के लिए यह बात बोला और प्रभु उसे बोला चिंता नहीं करना, अब वह सिधाई के मार्ग ले लिया है। मैंने उसे अभी उसे चौंका दिया है और अब उसने मेरे मुकाबले में आंखें खो दी, और अब तुझे जाना है और अपने हाथ उस पर रखना है और उसे अपनी आंखें दोबारा लौट कर आने देना है। तो अनन्यास वहां पर गया, शौल की उसने सेवा की। अब ये सब कुछ प्रभु ने क्यों नहीं किया? इसका कारण वह जो सेवा है मेल मिलाप करने की वह केवल मनुष्य को दी गई है। पवित्र बाइबल बताता है वह परमेश्वर उसने हमको सेवा दी है मेल मिलाप करने की, जो दूसरे कुरंथियों के 5 अध्याय 18 वचन में लिखा है। पवित्र आत्मा केवल मध्यस्थी की सेवकाई हमारे अंदर से करता है। एक बहुत ही बड़ी बात है यह कि हमारे अंदर मध्यस्थी करने वाला जो हमारे अंदर से प्रार्थना करता है हमारे लिए, हमारी खातिर और हमारे भाग से, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। जब यीशु मसीह बोला वो एक अलग से लेकिन समान तरीके वाला मध्यस्थी, वह केवल ऐसा नहीं ढूंढ रहा था कोई एक ऐसा जो हमारे पीछे पीछे रहे। वह एक इस प्रकार का अलग सा ऐसा शब्द जो इस्तेमाल किया जो एक ताकत है, सोच है, वह हमारा वकील भी है। अब उस विषय में हम देखेंगे वकालत। अब पवित्र आत्मा किस तरह से हमारा वकालत करता है यह हम देखेंगे। जो मध्यस्थी करता है किस प्रकार से पवित्र आत्मा, वह एक प्रकार की हमारी तरफ से वह वकालत कर रहा होता है। सम्मति होती है एक प्रकार से हमको बचाने के लिए, कानूनी तरह से वह हमारी तरफदारी कर रहा होता है, वह हमारी ओर से बोल रहा होता है और वह हमें बचा रहा होता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा पिता से और वह तुम्हें एक अलग सम्मति देने वाला देगा, तो वह इस बात के विषय में बोल रहा था कि ऐसा कोई होगा जो अपने आप को दुश्मनों के विरोध लेकर आएगा और वह जो बिल्कुल विवादों के जलती हुई भट्टी के बीच में आकर हमारी तरफदारी करेगा और वह हमारी जगह में हमारी जिम्मेदारी को उठाएगा। इस तरह से नहीं कि कोई दूर खड़ा रहकर इस तरह का तमाशा हमारा होता हुआ देखेगा, इस तरह का वो नहीं रहेगा। जब शत्रु हमारे लिए इतने सारे हम पर कानूनी
जोर चढ़ाता है और हमारी परिस्थितियों का वो इस तरह से पेश करता है, उसकी ताकतों के बीच में हम घिर जाते हैं, ऐसे समयों में पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी होकर वो एक वकालत की तरह हमारे विरोधियों के खिलाफ और हमारी तरफदारी में वो हमें बचाते हुए बात कर रहा होता है। कोई हमारा गलत ऐसा फायदा नहीं उठा सकता है। जब लोगों ने हमारे बारे में बुराई किया होगा या लोगों ने हम पर गलत न्याय डाला होगा, फिर भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारी तरफ से वकालत करने के लिए मौजूद है। हो सकता है लोग हमें यह मौका नहीं देंगे कि हम अपनी तरफ से सफाई देकर छूट सके और सफाई देकर समझा सके, लेकिन यह जो सम्मति है जो हमें बचाने वाली है वह सही समय पर सामने आ जाएगी। आपने हमने सिर्फ यही बोलते रहना है कि मुझ पर ज्यादती नहीं की जा सकती है और मैं कभी निराश नहीं होगा। प्रभु को धन्यवाद। अब पवित्र आत्मा हमें बलवंत बनाने वाला आत्मा है, इसके विषय में देखेंगे। पवित्र आत्मा आपकी सेवकाई करता है आपको बलवंत बनाने के लिए। वह आपको इसीलिए बलवंत बना रहा होता है कि जब समय आएगा और पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर कुछ ऐसे फैसले उठाएगा और चलना शुरू करेगा, तो वह इस बात के बारे में खातरी रखना चाहता है कि आप उस काम में पीछे नहीं हटेंगे और सब कुछ सही ढंग से पवित्र आत्मा को आपके द्वारा आप करने देंगे, बिल्कुल वो समय पर। और उस समय ऐसा होगा कि आप भागीदारी में उसके साथ एक मन होकर काम में लग गए होते हैं, जैसे कि वो आपके अंदर से काम कर रहा होता है और दिखने में आप काम करते हुए दिख रहे होते हैं। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होता है, आपके जीवन में कमजोर अवस्था कोई जगह में आपकी पहचान नहीं रहती है। इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं कि पौलुस कहता है जब वह कमजोर रहता है उस समय वह बलवंत बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जब उसे बहुत ही कुचला जाता है और बहुत ही धिक्कारा जाता है, तोड़ा जाता है और बिल्कुल वह ऊपर नीचे सब जगहों में हर तरह से उसके लिए मुश्किलें रहती है, उस समय वह कहता है कि उस समय उसे बलवंत बनाया जाता है परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से। वह सामर्थ्य जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा देता है। आपने कभी इस बात को महसूस किया कि आप कमजोर हुए और बिना सामर्थ्य के, और फिर आपको ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ अंधेरा हो रहा है, और कभी कभी इतना जोर बढ़ जाता है उस समय कि लोग इस प्रकार के कोई ब्लड प्रेशर के द्वारा खत्म हो जाते हैं, और अचानक से कुछ ऐसा काली छाया की तरह वो खत्म हो जाते हैं। कुछ लोगों को शैतानी ताकतों का अनुभव करना पड़ता है और वहां पर वो खत्म हो जाते हैं। अगर कुछ आखिरी में उनको याद रहा होगा तो केवल उनकी आंखें मूंद रही है, इतना ही वो जानते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमको नहीं मालूम उसके आगे क्या घटी हुई है। समझ लीजिए, ऐसी बातें आपके साथ नहीं होनी है, और अगर ऐसी बातें आपके साथ भी घट रही है तो इसके ऊपर आप रोक लगा सकते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को ऊंचा उठाकर। जो सेवकाई थी
पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को किया वो हम लूका के सुसमाचार 22 अध्याय के 43 वचन में पढ़ सकते हैं कि कैसे स्वर्गदूत ने स्वर्ग से आकर प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ से भर दिया। अब यह सामर्थ आपको भी दिया जाता है। जब पौलुस जो प्रेरित था वह आत्मा में प्रार्थना कर रहा था तब सुनिए वह क्या कहता है। इफिसियों के 3 अध्याय के 16 वचन में पढ़ेंगे कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। That he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his spirit in the inner man। आत्मा के सामर्थ्य से बलवंत बनाया जाता है अंदरूनी मनुष्य। धन्य कहो परमेश्वर से, परमेश्वर को धन्य कहो। वो पवित्र आत्मा दिया जो आपकी ताकत बनता है। अब हम देखेंगे पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहता है इस विषय में, जो आखिरी काम पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है उस विषय में ऐसा लिखा है। बहुत ही सुंदर है यह शब्द, उसे कहा गया है कि वह हमारे साथ खड़ा होता है। जब हम सब कुछ खो देते हैं, हम कुछ बाकी नहीं रह जाते, उस समय वह हमारी ताकत, हमारी जानकारी, हमारे लिए सोचे और हमारे लिए अवसर को लेकर, और फिर बाद में हम सब कुछ खो चुके हैं ये सब कुछ, तब हमारे साथ वह आकर खड़ा हो जाता है। जब हमने ताकत, जानकारी और हमारी सोच और अवसर सब कुछ इस्तेमाल करके देखा और हमने कुछ पाया नहीं, सब कुछ खो दिया और आप हाथ पर हाथ धरे बैठ गए, अब आगे का रास्ता नहीं है, ऐसा जब समय आता है तब पवित्र आत्मा हमारे पास आकर खड़ा हो जाता है। पवित्र आत्मा जब आता है वो हमारे साथ बना रहता है और वह हमें गिरने नहीं देता। जबकि हमारी इरादे, हमारी सोचे, हमारी ताकत हमको गिरा चुकी है, हमारे आइडियाज, हमारे जो भी हमारे मन के अंदर की बातें थी उसके आधार से हमने शुरू किए, सब कुछ गिर गया, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा जब हमारे साथ आकर खड़ा हो जाता है वह हमें उस रास्ते में हमारी सहायता बन जाता है और हमें गिरने नहीं देता है। वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है और हमारे साथ बना रहता है। वह एक प्रकार का ताकत देने वाला, हमारे साथ खड़े होकर हमें उत्तेजित करने वाला और हमें सहायता के लिए हमारे साथ बने रहने वाला, इस तरह से वो हमारे साथ रहता है। इस तरह समझ लीजिए कि अगर हमारे सामने हमें जो ज्वलंत रखने वाला कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है या कोई ऐसी ताकत का स्रोत है, अगर वो बंद पड़ जाए तो उस जगह में हमें एक जनरेटर की ज़रूरत होती है, और अगर वो हो तो वो पवित्र आत्मा उस समय हो जाता है जिसकी वजह से हमें दोबारा हमारी ताकत मिलना शुरू हो जाती है और दोबारा हमारा आनंद शुरुआत हो जाता है और अच्छे समय, अच्छी चीज़ें हम देखने लगते हैं। हो सकता है आपके डॉक्टरों ने आपको कह दिया आपका हृदय का जो धड़कन है वह सही नहीं चल रहा है, या फिर हो सकता है आपके किडनी के विषय में सही काम नहीं हो रहा है, तो आपको तो उन्होंने बोल दिया आपके फेफड़ों का सही काम नहीं हो रहा है, सब कुछ जैसे बंद हो रहा है, और आपको यह जानते हुए कि पवित्र आत्मा अब आपके साथ खड़ा है, तब पवित्र आत्मा यहाँ पर आपके साथ खड़ा है, यह उस समय आपको याद आना चाहिए। और बाइबल यह बताती है रोमियो के पत्री में 8 अध्याय के 11 वचन में,
और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इंग्लिश में लिखा है, बट इफ द स्पिरिट ऑफ हिम दैट रेज्ड अप जीसस फ्रॉम द डेड ड्वेल इन यू, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. तो क्या आप आज चमत्कार की आशा रखते हैं? जब पवित्र आत्मा आपके शरीर को ले लेता है, तब आपके शरीर के हर एक भाग वो पूरी ताकत से भर देता है। हर एक भाग जो पहले ठीक से काम नहीं कर रहा था, अब वो अचानक से जीवित हो जाएगा और काम करने लगेगा और आप बिल्कुल साधारण बन जाएंगे और आप साधारण और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पवित्र बाइबल बता रही है कि वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, ऐसा वाला आत्मा नहीं जो उसकी नकल किया हुआ, परंतु वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है जानने की कि यह समस्या आई कहां से है। हो सकता है यह समस्या कोई आत्मिक आक्रमण से आई होगी, या फिर हो सकता है यह समस्या आपने कुछ खाने से आया होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है यह समस्या का कहां से उगम हुआ है। जब पवित्र आत्मा ये बात को उठा लेता है तो वो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को जीवित कर देता है, हमारे आत्मा को वो बल देता है और वह सब कुछ जो जरूरी है वो हमारे ज्ञान बुद्धि समझ में दे देता है।